सीएम की बहनाओं से पैसे की मांग। खुड़िया के सचिव राम कुमार कुशवाहा मांगता है लाडली बहना में पंचन के 500 रुपए की रिश्वत। 30 महिला रह गई योजना से वंचित। जिले की बदरवास जनपद के ग्राम पंचायत बड़ोखरा में खिरिया ग्राम में 30 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव के सचिव द्वारा लाडली बहना में पंचन है तो 50 रुपए की रिश्वत की मांग की जाती है। जानकारी के अनुसार कृष्णाबाई निवासी ग्राम खिरिया ग्राम पंचायत बड़ोखरा जनपद पंचायत बदरवास ने बताया कि सचिव राम कुमार कुशवाहा के द्वारा लाडली योजना के पंजीयन के एवज में 500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत की मांग पूरी न होने पर लाडली बहना पंजीयन न करते हुए योजना से वंचित कर दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक दस्तावेज दिए जा चुके हैं। कुछ ने तो 2 बार दस्तावेज दिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अपने कार्य में लापरवाही की गई है, जिसके कारण सचिव द्वारा लाडली बहना योजना के पंजीयन नहीं किए गए, जिसके कारण हम सभी महिलाएं मध्य प्रदेश राज्य में संचालित लाडली बहना योजना से वंचित रह गई है। बता दें कि ग्राम क्रिया में सचिव की लापरवाही की वजह से 30 के आसपास महिलाएं लाडली बहना का लाभ नहीं ले पा रही है। सचिव द्वारा कहा जाता है कि स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे। इसकी शिकायत महिला बाल विकास से भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज कलेक्टर जन सुनवाई में सभी महिलाओं ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। पीछे, तो पीछे। हमारे यार्ड यही नंबर दे। सही है, सही है। बदरवास ग्राम क्रिया से कृष्णा भाई बोल रही हूँ। और इतनी सारी जो औरतें हैं ना, इनको एक ही किस्त लाडली बहना की नहीं मिली, एक साल से नहीं मिली। नहीं, पकड़ा नहीं पा रही मैं। इसलिए हम सारे इसलिए यहाँ पे आए हैं कि लाडली बहना की किस्त किसी को नहीं मिली, और सेक्रेटरी ने ऑनलाइन नहीं की, और फार्म भी दी उनको तो भी उन्होंने ऑनलाइन नहीं। सेक्रेटरी का नाम क्या? सेक्रेटरी का नाम राम कुमार कुशवाहा। तो इस आपने सरपंच से शिकायत नहीं की इसकी? सरपंच जी से भी की थी। हाँ, फिर उन्होंने भी माना, उन्होंने कह दिया ऑनलाइन कर दी होगी कहीं सेक्रेटरी। तो कितने महीने से आपकी लालजी बना का लाभ नहीं मिला? अच्छा, तो इससे पहले आपने शिकायत की थी कलेक्टर साहब से? अभी आए थे मंगलवार को। अच्छा, तो बात नहीं हो पाई थी? बात नहीं हो पाई। तो कितनी महिलाएं होंगी जो जिनको लालजी बना का लाभ नहीं मिला? अभी तो हम 32 औरतें हैं, और गांव में भी हम बहुत सारी। तो सभी सब एक गांव से ही है सभी? कैसी कौन सी है आपकी? आवेदन आया तो बोल के। तो कितने पैसे आते हैं उसमें? 12,500। तो एक भी महिलाओं के नहीं आए? नहीं। क्या चाहते हैं फिर आप? हम तो चाहते हैं हमारी किस्त शुरू की किस्त से अभी तक किस्त ये नहीं आई चाहिए हमको। नहीं तो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि सब लाडली बहनाओं को सबके खाते में हम पैसे भेज देते हैं, हमारे खाते में एक भी पैसा नहीं आया लाडली बहनाओं का। तो आपके भाई से क्या उम्मीद रखते हैं आप मुख्यमंत्री से? पूरी किस्त चाहिए हमको, शुरू से लेके लास्ट तक।